सा रुका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों का। चुनिया सामना में बागी विधायकों पर शिवसेना का वार। वायुसेना प्रमुख का बड़ा बयान, कहा चीन पाकिस्तान की हर चुनौती से निपटने को तैयार। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया गिरफ्तार, चीनी पिस्तौल, मैगजीन और गोलियां बरामद। पहली बार नेवी में शामिल होंगी फीमेल सेलर, रक्षा मंत्रालय ने डायरेक्टर ऑफ नोवल ट्रेनिंग। त्रिपुरा में भाजपा कांग्रेस के बीच झड़प, कांग्रेस अध्यक्ष समेत 19 जख्मी, एक पर चाकू से किया गया वार। तीस्ता शीतलवाड़ा 2 जुलाई तक पुलिस हिरासत में, अहमदाबाद कोर्ट ले जाते समय चिल्लाकर बोली मैं क्रिमिनल नहीं। गवर्नर सत्यपाल मलिक बोले अग्निवीरों की शादी नहीं होगी, अग्निपथ स्कीम जवानों के खिलाफ ये उनकी उम्मीद से धोखा है। हाईवे पर बिना फास्टैग के दौड़ेंगी गाड़ियां, एनएच पर नजर नहीं आएंगे टोल, दूरी से हिसाब से कटेंगे रुपए। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के साझा प्रत्याशी यशवंत सिन्हा ने दाखिल किया नामांकन, राहुल गांधी भी मौजूद। हरियाणा के नारनौल में भगवान विष्णु की अष्टधातु की मूर्तियां गायब, ढोसी धाम में स्थापित बेशकीमती प्रतिमा चोरी, 5 पर एफआईआर। सांसद के बिगड़े बोल, मान बोले पार्टी वर्करों और भिंडरालों की तालीम की जीत। त्यागराजो स्विमिंग पूल नहीं मिला तो यमुना को बनाया तरणताल, 37 साल से त्रिभुवन बच्चों को सिखा रहे बैराकी की बैराकी। कानपुर हिंसा मामले में पीएफआई पर कार्रवाई के लिए गवर्नर का सरकार को लेटर, कार्रवाई के दिए निर्देश। गौतम बुद्ध नगर एलिवेटेड निर्माण में इंजीनियर और फाइनेंस विभाग की होगी जांच, कंपनी को बिना वेरिएशन 17.21 करोड़ दिए। कानपुर में ट्रॉफी का लालच देकर 60 साल के दुकानदार ने मासूम से किया रेप, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को भेजा जेल।
बलिया में बुजुर्ग की गला काटकर हत्या, घर के बाहर बरामदे में सो रहा था किसान, जमीन को लेकर बड़े बेटे पर लगा। उन्नाव से आज 62 पुलिसकर्मी होंगे रवाना, समय अवधि पूर्ण होने पर 37 दरोगा 25 सिपाहियों का हुआ तबादला। हार जीत सभी स्वीकार करें, इटावा में शिवपाल बोले लोकसभा चुनाव में सपा के हार को सबको देखना चाहिए। कन्नौज में प्रॉपर्टी के लिए बहुओं ने ससुर को पीटा, काटती बुजुर्ग की उंगली, पीड़ित बोला बेटे भी हैं शामिल। बरेली में खुफिया इकाइयों को बांग्लादेशी महिला घुसपैठिया ने दिया चकमा, पति ने फर्जी कागजात पर बनवाया पासपोर्ट। अम्बेडकर नगर में 92 गांवों में पानी की टंकी बनेगी, 15,000 से अधिक आबादी को मिलेगा शुद्ध पेयजल, गांव में शुरू हुआ काम। गाजीपुर में उपभोक्ता नहीं जमा कर रहे बिल, बिजली विभाग का सेकेंड डिवीजन सबसे फिसड्डी। सीतापुर में केबीसी के नाम पर 16 लाख की ठगी, 25 लाख और गाड़ी जीतने का व्हाट्सएप पर फर्जी चेक भेजा। गौतम बुद्ध नगर में सिलेंडर में लगी आग, 4 लोग घायल, सोसाइटी में करते हैं सिक्योरिटी गार्ड का काम। कासगंज में रिफाइंड तेल से भरा टैंकर पलटा, लूटने वालों की मची होड़, बर्तन लेकर पहुंच गए गांव के लोग। कानपुर में सपा एमएलए के भाई पर 3 तलाक की एफआईआर, पत्नी और बच्चों को मारपीट करके घर से बेदखल किया। गौतम बुद्ध नगर में वाटर पार्क में झगड़ा करते लड़कियों का वीडियो वायरल, दोनों के बीच कॉस्ट्यूम को लेकर हुई तीखी नोकझोंक। चंदौली के सादपुर पुल का धड़ल्ले से दौड़ रहे ट्रक, 2 साल के भारी वाहनों की एंट्री पर रोके। ललितपुर पहुंचे भाजपा युवा प्रदेश मोर्चा अध्यक्ष प्रांजु दत्त द्विवेदी, बोले सेनाध्यक्षों की सिफारिश पर लाई गई अग्निपथ योजना। आगरा में मिड डे मील बना, टीचरों के लिए टेंशन, शिक्षक बोले सिलेंडर तेल के दाम हो गए दोगुने। कानपुर में फिर तेंदुए की दहशत, तेंदुए ने किया सुअर का शिकार, ग्रामीणों पर भी बोला हमला। योगी सरकार ने बढ़ाया प्राइमरी के बच्चों के लिए बजट, यूनिफॉर्म के साथ देगी कॉपी पेंसिल का पैसा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया गोरखपुर, फूलपुर 2018 लोकसभा उपचुनाव हार का बदला, रामपुर आजमगढ़ में खिला कमल। मधुरी में ठाकुर बांके बिहारी की शरण में पहुंचे राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। बस्ती में पेड़ से लटकते मिले नाबालिग के लड़के और लड़की के शव, गांव में पुलिस बल तैनात। केशव ने अखिलेश पर कसा तंज, पहले सत्ता का ख्वाब टूटा अब जागीर भी छिनी।
प्रयागराज में बेकाबू ट्रक ने रौंदा मौत, स्टूडेंट ने देर रात किया चक्का जाम, प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर दो घंटे तक था भरा ट्रैफिक। लखनऊ पहुंची शतरंज ओलंपियाड मशाल, सीएम योगी ने पांच बार के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन के साथ खेला दाव, बोले ये विरासत का सम्मान। शाहबुद्दीन गैंग के शूटर ने की थी वीरेंद्र की हत्या, बहन की जबरन शादी से था नाराज, वीरेंद्र की पहली पत्नी को मिलाकर घटना को दिया अंजाम। मेरठ में पांच मिनट में पुलिस ने बचाई युवक की जान, पत्नी से झगड़ा होने पर गले में जाल लिया था फंदा, फिल्म स्टाइल में पहुंची पुलिस। लाचारी में पकड़ा गया गब्बर जैसा डाकू, बीमारी ने दिलाई घर की याद तो महंत का आश्रम छोड़ा, गिरफ्तार कर पुलिस लूट रही वाहवाही। उत्तराखंड के शंभू नदी का प्रवाह रोकने के लिए से बनी झील खतरे की जद में, चमोली के कई इलाके। रुड़की मेवा में 6 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म, हैवानियत के जख्म देख रो पड़े मासूम को ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर। साइबर क्राइम का नया गढ़ बना चांदपुर, एटीएम से ठगी करने वाले दबोचे तो हुआ सनसनीखेज खुलासा। हमी सरकार का बड़ा लक्ष्य, सीएम बोले 2025 तक उत्तराखंड को बनाएंगे देश का आदर्श देश। गौरीकुंड हाईवे पर हादसा, पहाड़ी से गिरा पत्थर, बस पर शीशा तोड़ अंदर घुसा एक यात्री की गई जान, एक घायल। राज्य सरकार को अगस्त में मिलेंगे 18 आईएएस अफसर, सीधी भर्ती के पीसीएस अधिकारियों को मिलेगा प्रमोशन। कांवड़ यात्रा के लिए सरकार भी तैयार, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कांवड़ियों को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। देहरादून सहित 7 जिलों में जमकर बरसेंगे मेघ, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, ऑरेंज अलर्ट। हवाई नेटवर्क के विस्तार पर ब्रेक, हरिद्वार सहित इन 6 शहरों में जमीन नहीं मिलने से हेलीपैड निर्माण में देरी। गंगोत्री और आसपास मिली दुर्लभ तितलियां, बायोडायवर्सिटी बोर्ड की टीम ने किए कई खुलासे। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, दून में धरने पर बैठे प्रदेश अध्यक्ष। पहाड़ी में मलबा आने से हल्द्वानी नैनीताल एनएच 4 घंटे बंद, यात्री फंसे मलबा हटाने के बाद यातायात सुचारू। ऋषिकेश में कांग्रेसियों ने त्रिवेणी घाट पर बैठकर किया सत्याग्रह, अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। उत्तराखंड के चलते कैंटर में आग लगने से मचा हड़कंप, रिटायर्ड फौजी का सामान राजस्थान से लेकर आ रहा था हल्द्वानी। उत्तराखंड में सरकारी प्राइवेट डॉक्टरों के लिए मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइन, विज्ञापनों पर अपनी फोटो लगाने पर प्रतिबंध। सीजीआई ने इंडिपेंडेंट हॉल का दौरा किया, कहा स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए अथक परिश्रम की जरूरत।
अमेरिकी बंदूक हिंसा रोधी विधेयक को जो बाइडेन की मंजूरी, कहा लोगों के जीवन की रक्षा होगी। जीवंत लोकतंत्र का काला धब्बा, पीएम मोदी ने जर्मनी से कांग्रेस पर साधा निशाना। एनएसए ने लॉन्च किया मिनी हबल टेलीस्कोप, पहली बार किया ऑस्ट्रेलिया के स्पेस सेंटर का उपयोग। मोदी आज G7 समिट में हिस्सा लेंगे, हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर भारत के स्टैंड पर चर्चा होगी, जर्मनी से यूएई जाएंगे पीएम। इमरान की जासूसी करने की कोशिश, नौकर ही बेडरूम में लगा रहा था, खुफिया कैमरा सिक्योरिटी टीम ने अरेस्ट किया। साउथ अफ्रीका की बार में 21 स्टूडेंट मृत पाए गए, मौत की वजह साफ नहीं, हाई स्कूल की परीक्षा समाप्त होने का जश्न मना रहे थे। पाकिस्तान में सिंध के निकाय चुनाव में हिंसा, पीटीआई उम्मीदवार के भाई समेत दो की मौत। इजराइल में संसद भंग करने से पहले पीएम नफ्ताली बोनेट ने बुलाई आखिरी बैठक, फिर होंगे आम चुनाव। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन आज होगी लॉन्च, कुल 36 वेरिएंट में होगी पेश, हुंडई क्रेटा जैसी एसयूवी से मिलेगी चक्कर। बांग्लादेश में चावल की किल्लत का असर भारत पर, 5 दिन में 10% तक बढ़े दाम। आरबीआई के एमपीसी सदस्य ने कहा महंगाई पर अचानक काबू पाने के लिए आर्थिक वृद्धि का बलिदान उचित नहीं। अमेरिका, जापान और कनाडा के बाद ब्रिटेन ने भी किया रूसी सोने पर प्रतिबंध का समर्थन। रूस ने 100 साल में पहली बार फॉरेन करेंसी डेट किया डिफॉल्ट, प्रतिबंधों के चलते नहीं कर पाया पेमेंट। वोडाफोन आइडिया को DOT से कंपनी को राहत, FI 18-19 का बकाया चुकाने के लिए मिला 4-7 का मोटर। साल 2030 से 7.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, अनुराग ठाकुर ने जताई उम्मीद। क्रिप्टो लेंडिंग फॉर्म ब्लॉकफिट से स्टेक खरीदने की तैयारी कर रहे हैं FTX, $25 करोड़ के क्रेडिट के लिए टच शीट साइन। अनिल अंबानी की बड़ी टेंशन, रिलायंस कैपिटल को खरीदने की रेस में टाटा और अडानी हुए बाहर, वापसी ली बोली। अडानी समूह को गुजरात के मुद्रा में तांबा उत्पादन प्लांट लगाने से 6,071 करोड़ का लोन देगा SBI कंसोर्टियम। कप्तान पांड्या ने किया उमरान मलिक का सपोर्ट, हार्दिक बोले मुझे लगता है कि वह पुरानी बॉल से ज्यादा कंफर्टेबल हो रहेगा। बुल फाइट के दौरान स्टेडियम ढहा, लकड़ी की 3 मंजिला छत में दबे 300 से ज्यादा लोग, 4 की मौत।
बांग्लादेश का टेस्ट सीरीज में सुपड़ा साफ करने की कगार पर वेस्टइंडीज के मार रूच ने लूटी महफिल। न्यूजीलैंड का सुपड़ा साफ करने से इंग्लैंड मात्र 113 रन दूर, ओली पोप शतक के करीब। पाकिस्तानी खिलाड़ी तनवीर अहमद ने रमीज राजा को लगाई लताड़, बोले वो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर देंगे। दीपक हुड्डा के दम पर भारत ने आयरलैंड को 7 विकेट से हराया, सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त ली। भारत की लीसेस्टर शायर ने बीच अभ्यास मैच ड्रॉ पर छूटा, कोरोना से ठीक होने के बाद अश्विन ने दिखाया जलवा। दीपिका कुमारी एंड कंपनी को सिल्वर से करना पड़ा संतोष, वर्ल्ड कप में भारत को 3 मेडल। चार साल की उम्र में वापसी करेंगी सेरेना, बोली मोटिवेटेड हूं, पिछले साल इंजरी के कारण हटना पड़ा। घरेलू क्रिकेट का नया बादशाह मध्य प्रदेश, पहली बार रणजी का खिताब जीता, फाइनल में मुंबई को विकेट से हराया। तमारा ने किया केके की टीम का बचाव, बोली मैं आपसे नफरत न फैलाने की अपील करती हूं। मां बनने वाली है आलिया भट्ट, हॉस्पिटल से फोटो शेयर कर अनाउंस की प्रेगनेंसी, लिखा हमारा बेबी जल्द आने वाला है। वाणी कपूर ने अपने नचनिया के रोल को बताया शमशेरा की अहम कड़ी, रणवीर ने कहा पर्सनल फेवरेट। रणदीप हुड्डा ने निभाया वादा, पाकिस्तान की जेल में मारे गए सरबजीत की बहन दलबीर कौर को दी मुखाग्नि। शाहरुख खान के गाने पर किया धमाकेदार डांस, चिकनी चमेली बनकर शहनाज गिल ने भी लूटी महफिल। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 के लिए बढ़ाया वजन, नई फोटोज सामने आने पर ट्रोलर्स ने एक्टर को कहा बड़ा पाव है बूढ़ा। मलाइका अरोड़ा ने अर्जुन कपूर को खिलाया केक, सोशल मीडिया पर शेयर की सेलिब्रेशन की वीडियो। सर्जरी करवाने जर्मनी गए केएल राहुल को मिला गर्लफ्रेंड आथिया शेट्टी का सपोर्ट, रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर हुई स्पॉट। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर ऐश्वर्या के गाने बरसो रे मेघा पर थिरकती भारतीय डांसर, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। शहनाज गिल ने यॉट पर लिया सनसेट का मजा, समुंदर के बीच पूल डांस करती दिखी एक्ट्रेस। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।